हेलो और हूँ मैं बिल्कुल भी मन ना होते हुए मैं जा रही हूँ उसको लेके हेलोवीन पार्टी के लिए। लड़के आई उन्होंने आज तुम घर से शकल आपसे शकल लड़ रहा हूं मैं। शकल देखने में नहीं 12 बजे पड़े या तो आज तुम ढंग से ना आई हो या तुम किसी से लड़के आई हो। आप ही लड़ रहे थे मैं से। मैं तुम्हें कुछ हो गया क्या कुछ आज एक बच्चे ने लिखा सस्ते नशे करते लगे हो क्या तुम सुबह सुबह अपने भैया लगाई उड़ता पंजाब है। शकल देखना जरा अपनी शकल देखना लड़ते हो 5 बार लड़ते हो कुछ भी भाई नहीं लड़ते हो काम करो चलो ऑफिस ऑफिस आते हो काम करने के लिए ये मस्तीबाजी करने के लिए नहीं। आज हमारी सोसाइटी में हो रहा है क्या हेलोवीन का छोटी सी पार्टी हो रही है हेलोवीन की। अब मिष्टी मेरे पीछे पड़ी है मुझे लेके चलो मिष्टी की ले ली बेटा मैं बिल्कुल भी मन ना होते हुए मैं जा रही हूँ उसको लेके हेलोवीन पार्टी के लिए ऐसे जो सबसे आ गया सबसे पहले उसी को निकलना और कोई जाए ना बस जाने की तैयारी हो रही है। देखते हैं कैसा वो अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने लेट्स सी। हाँ बेटा हाँ हाँ अच्छा आ जाओ चलो अच्छी को मम्मा का हैंड नहीं छोड़ोगे आप ठीक है। आज वृंदा को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिला है वृंदा आज तो तुम्हारा दिन है कौन सा बेटा बताऊंगी बताओ ना प्लीज बताओ ना कौन सा हेलोवीन डे है आज तो वृंदा बाल आगे करके भी भूत बनेगी और सबको डराएगी सारे सोसाइटी के बच्चों को डराना वृंदा ने आज ठीक है वृंदा बिल्कुल ये चलते रही है पार्टी हमारे यहाँ भाई दिवाली मेला वगैरह कुछ नहीं, चल रहा है पता नहीं क्या बात कर रहे हो भाई अलग खेल रहे भाई हम लोग स्टोरी का नाम है विश विला व्हाट द स्टोरी इज कौन कौन जाना चाहेगा विश विला पर एड्रेस तो किसी को पता ही नहीं ओनली आई कैन टेक यू ऑल टू द विश विला सो यू ऑल आर रेडी इसीलिए मैं इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ी थी मुझे स्पेशली साथ जाना पड़ा कि मैं साथ रहूंगी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए अगर आप मुझे छोड़ भी देती कोई दिक्कत नहीं जी नहीं
हाय गाइस गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ पापा की बेटी। भाई रात को मैं सोया आराम से बिल्कुल एकदम फुर्सत से सैटरडे नाइट सेलिब्रेट करते हुए, तो आज लेट उठा हूँ और कल व्लॉग ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाया मैं। देखो बहुत सोचता हूँ कि भाई नहीं बहुत रोज़ रिकॉर्डिंग करूँगा व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन हो नहीं पाता है कभी कभी ना, काम के अंदर इतना व्यस्त हो जाते हैं। आंखें देख रहे हो कैसे लग रही है भाई सब भयंकर। रात को हुआ क्या कि क्लास के बाद ना मैं कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में लग गया कि भाई कैसे जो है अभी मैं जो लाइव जा रहा था उसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है, क्या कंटेंट उस पर बनाना है। और फिर पता नहीं क्या मोटिवेशन आई भाई, रात को मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ गया, तो 12:30-1 तक तो मैं रिकॉर्डिंग ही करता रहा आराम से। भाई अब उठा हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देख ली। आई नो गलत किया, आप लोगों को नहीं देखनी चाहिए, मैं देखो सच्ची सच्ची बता रहा हूँ। अरे मेरी तो उम्र हो गई भाई, मैं तो जीवन को एंजॉय कर रहा हूँ राइट। तो उसके बाद वेब सीरीज वगैरह देखी, रात को सोते सोते लेट हो गया तो भाई लेट उठा हूँ, बट अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत समय से ना कोई ब्रेक ऐसा लिया नहीं था। आप बोलोगे सर अभी आप होटल घूमने गए थे, मैं यार ब्रेक नहीं ले पाया था। मतलब ब्रेक जिसे बोलते ना कि अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से जो है वो ब्रश करो, खाना खाओ, पड़े रहो रिक्लाइनर पे जैसे आज मैं पड़ा हुआ हूँ, तो वो ब्रेक जरूरी था और वो ब्रेक मैं आज लेने का प्लान कर रहा हूँ। अभी आराम से बैठा हुआ हूँ, एटलीस्ट सुबह के 2-3 घंटे कुछ काम नहीं करूँगा राइट, और उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं ऑडिट की वो करनी है, शाम को फिर लाइव आना है आप लोगों के साथ। शुरू के 2-3 घंटे आज मैं रिलैक्स करने के लिए सोच रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कभी कभी ऐसा ब्रेक ले लेते होंगे, लेकिन आप रोज ही मत लिया करो। मुझे पता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम रोज ही एक ब्रेक लेके बैठे रहते हो ऐसे वाला। दिन की शुरुआत कर रहा हूँ और आप लोगों से पहले बात कर रहा हूँ, दिन में जो भी होगा फिर से आप लोग रिकॉर्ड कर देंगे और आपको दिखाएंगे। आप लोग भी बता दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है घर परिवार में, और दिवाली आ रही है रिस्पॉन्सिबली दिवाली मनाए। रिस्पॉन्सिबली का मतलब ये नहीं है कहीं लोग सोचते हैं रिस्पॉन्सिबली कह दिया तो भाई पटाखे फोड़ने के लिए मना कर रहे हैं। जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है आई थिंक वो ट्रेडिशन हमें चाहे मुहूर्त के लिए या शगुन के लिए बोल लीजिए जरूर 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 करना चाहिए, बट उसका मतलब ये भी नहीं है भाई साहब वो 50,000 भाई लड़ी लगा दी गली में और भाई साहब फोड़े जा रहे हैं। वो पटाखों के वो पॉल्यूशन छोड़ो, वो अदर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि गलत है। आप एंजॉय करो बिल्कुल जो आपका ट्रेडिशन है, जो हमारे प्रथाएं चलती आई है। भाई मैं तो थोड़ा बहुत तो मिष्टी और चीकू को भी शायद एक फुल जड़ी जलवा दी है, वो हंटर होता है हंटर वो जलवा दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक्सेस में जो है ये सब काम करें आप लोग, और ऐसा ना हो कि रॉकेट जलाया पड़ोसी घर में छोड़ दिया, ये सारी दिक्कतें ना हो। ये लोग ये दोनों भी आगे पापा, 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 हाँ ना फूक बम हमारे टाइम में फूक बम होते थे। हाँ ये लो ये इसका मैंने नाम रखा है ना यार। अभी आपको चिकू का नाम क्या है ना। पता है क्या बोले डॉन, क्या नाम है डॉन। दादी इसकी डॉन डॉन बुलाती है, मैंने बोला कि क्या नाम है, कहते डॉन, बहुत ही बढ़िया। चलो जी तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दी व्लॉग, छोटी सी क्लिप है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, जय हिंद। और हाँ मित्रों सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ओके कल मिलेंगे आपसे हम लोग, बाय, टेक केयर।